हेलो हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज डेट है 5th of June 2021 और हम डिस्कस करेंगे हरियाणा के करंट अफेयर्स। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, प्रख्यात लेखक और शिक्षाविद प्रोफेसर DR चौधरी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, उन्होंने निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी। एमिनेंट राइटर एंड एकेडमिशियन प्रोफेसर DR चौधरी Who passed away recently wrote which of the following famous book? Options हैं खाप पंचायत इन मॉडर्न एज, हरियाणा एस एट क्रॉस रोड प्रॉब्लम एंड प्रोस्पेक्ट्स, द फॉर्चून टेलर और बोथ ए एंड बी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रोफेसर DR चौधरी के द्वारा लिखी गई बुक्स हैं खाप पंचायत इन मॉडर्न एज और साथ ही साथ हरियाणा एट क्रॉस रोड, ए एंड बी। बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं प्रोफेसर DR चौधरी के बारे में। ये फॉर्मर चेयरमैन ऑफ HPSC, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के ये फॉर्मर चेयरमैन रहे हैं। साथ ही साथ ये मेंबर रहे हैं हरियाणा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन के, हरियाणा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। इसके भी ये मेंबर रहे हैं, एडिटर एंड पब्लिशर रहे हैं हरियाणा फोर्टनाइटली न्यूज़पेपर पिंक के, सोशल एक्टिविस्ट रहे हैं और इन्होंने अपने एक एनजीओ भी बनाया था। इनके एनजीओ का नाम था हरियाणा इंसाफ सोसाइटी। ये इनके एनजीओ का नाम था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, हरियाणा सरकार ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में चयनित होने वाले राज्य के पात्र खिलाड़ियों के बैंक खातों में कितने रुपए की तैयारी राशि उपलब्ध करवाई है। Haryana government has made available the preparation amount of ₹ in the bank account of eligible sport person of the state to be selected in Tokyo Olympic 2021. Options are 5 lakh, 10 lakh, 15 lakh or 20 lakh. तो इसका सही आंसर है, ये preparation amount दिया जाएगा ₹5 lakh का। ये इसका सही आंसर है। हम पिक्चर के थ्रू देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मारे खिलाड़ी मारी शान, टोक्यो ओलंपिक 2021 खिलाड़ियों के लिए तैयारी राशि दी जाएगी और जो चयनित होने वाले राज्य के पात्र खिलाड़ियों को प्रदान किए जाएंगे ₹5 लाख, जो उनको हेल्प करेंगे बेहतर प्रशिक्षण में, डाइट में, वह विश्व स्तरीय खेल उपकरण प्राप्त करने में इनकी सहायता करेंगे। और जब ओलंपिक में अगर मेडल जीतेंगे तब कितनी राशि दी जाएगी, नकद इनाम राशि दी जाएगी। यदि गोल्ड मेडल जीतते हैं तो ₹6 करोड़, रजत पदक के लिए ₹4 करोड़, कांस्य पदक के लिए 2.50 करोड़, और जिन्होंने पार्ट लिया है उनको दिए जाएंगे, जो पार्टिसिपेंट्स रहे हैं और मेडल नहीं जीत पाए हैं उनको दिए जाएंगे ₹15 लाख। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हरियाणा में पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की जाएगी। वेयर विल द पैराग्लाइडिंग कॉम्पिटिशन बी ऑर्गेनाइज इन हरियाणा ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल योगा डे। पहले तो आप मुझे बताइए, इंटरनेशनल योगा डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है। ये सेलिब्रेट किया जाता है 21st of June को। 21st of June की सिग्निफिकेंस क्या है, किस लिए इसी दिन इसे सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि इस दिन होता है समर सोलिस्टिस। ओके, अब आपसे पूछा गया है कि पैराग्लाइडिंग कंपटीशन होगा हरियाणा में ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल योग डे, तो ये कहाँ पे होगा। तो इसका सही आंसर है, ये होगा मोरनी में। सी इज द राइट आंसर। और यहाँ पे जो है मोरनी हिल्स को जो है डेवलप किया जाएगा एज अ टूरिज्म हब। इसके मोरनी में जो है ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम है, तो उसके रिगार्डिंग भी परमानेंट सॉल्यूशन किया जाएगा रिगार्डिंग ड्रिंकिंग वाटर। साथ ही साथ यहाँ पे ट्रैकिंग को भी प्रमोट किया जाएगा ट्रैकिंग को।
जिसके लिए यहाँ पे प्रॉपर ट्रैकिंग रूट्स बनाए जाएंगे। ओके, पैराग्लाइडिंग को भी यहाँ प्रमोट किया जाएगा, ट्रैकिंग को प्रमोट किया जाएगा, ताकि यहाँ पे टूरिज्म को जो है बढ़ावा मिल सके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, 5 जून 2021 को पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल किस जिले के नक्षत्र वाटिका, सुगंध वाटिका और राशि वन की आधारशिला रखेंगे? इन विच डिस्ट्रिक्ट चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल विल ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ नक्षत्र वाटिका, सुगंध वाटिका, राशि वन ऑन द ओकेजन ऑफ इन्वायरमेंट डे ऑन जून 5, 2021। जून 5 को इन्वायरमेंट डे होता है, मीन्स आज इन्वायरमेंट डे है, उस दिन जो है इनकी फाउंडेशन रखी जाएगी। तो ये फाउंडेशन कहाँ पे रखी जाएगी? ऑप्शंस हैं अम्बाला, गुरुग्राम, पंचकूला और यमुनानगर। तो इसका सही आंसर है, ये जो है आता है, रखी जाएगी फाउंडेशन पंचकूला में। सी इसका सही आंसर हो जाएगा, पंचकूला में। ये जो है 20 एकड़ में बनेंगे, 20 एकड़, और कहाँ पे बनेंगे? अलोंग द मोरनी रोड, मोरनी रोड पे, अलोंग द मोरनी रोड फ्रॉम पंचकूला टू प्रमोट टूरिज्म। जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था कि यहाँ पे जो है टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट काफी स्टेप ले रही है टू प्रमोट टूरिज्म। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे नाम से आप देख सकते हैं, नक्षत्र वाटिका, नक्षत्र वाटिका में जो है प्लांट लगाए जाएंगे, ये सभी प्लांट जो है रिलेटेड होंगे 27 कॉन्स्टिलेशन से, रिलेटेड टू 27 कॉन्स्टिलेशन। ओके, ये लगाए जाएंगे नक्षत्र वाटिका में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सुगंध वाटिका, ये भी आप नाम से देख सकते हैं, यहाँ पे फ्रेग्रेंस वाले फ्लावर लगाए जाएंगे, जो फ्लावर सुगंध देते हैं उसके रिगार्डिंग जो है यहाँ पे लगाए जाएंगे सुगंध वाटिका में। राशि वन में जो है, जो 12 राशियां होती हैं उसी के रिगार्डिंग जो है यहाँ पे प्लांट लगाए जाएंगे। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, किस पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक पूर्ण सिंह दावड़ा का हाल ही में निधन हो गया है? विच पार्टी सीनियर लीडर एंड फॉर्मर MLA पूर्ण सिंह दावड़ा पास्ड अवे रिसेंटली? ऑप्शंस आर कांग्रेस पार्टी, जननायक जनता पार्टी, इंडियन नेशनल लोक दल और भारतीय जनता पार्टी। तो इसका सही आंसर है, ये बिलोंग करते थे जननायक जनता पार्टी से। बी इज द राइट आंसर। जननायक जनता पार्टी में जो है ये जनरल सेक्रेटरी थे, ये MLA रहे हैं 2000 से 2005 तक। पहले ये मेंबर थे INLD के, इंडियन नेशनल लोक दल के, बाद में इन्होंने स्विच किया था JJP में, जननायक जनता पार्टी में। इनकी डेथ हुई है COVID-19 की वजह से, COVID-19 एट द एज ऑफ 75। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक हमने करंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, अब हम बात करेंगे स्टैटिक GK ऑफ हरियाणा के क्वेश्चंस की। फर्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग टाइप दिया गया है, एक तरफ लेक्स दी गई हैं, दूसरी तरफ पूछा गया है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये आती हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे बसोलन लेक की, बसोलन लेक कहाँ आती है? तो ये आती है पंचकूला में। नेक्स्ट है घाटा लेक, घाटा लेक जो है ये आती है गुरुग्राम में। चिली लेक, चिली लेक आती है फतेहाबाद में। और कोटला लेक आती है नुहू मेवात में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है 4321, 4321। तो सही आंसर हो जाएगा सी, सी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल इज लोकेटेड इन, जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वेजिटेबल के लिए ये कहाँ पे लोकेटेड है? ऑप्शन है घरोंडा करनाल में, मंझियाना सिरसा में, सिमल पलवल या फिर गोहाना अंबाला। तो इसका सही आंसर है, ये आता है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल इज लोकेटेड इन घरोंडा करनाल, ए इज द राइट आंसर। ये घरोंडा करनाल में आता है, इसे जो है सेटअप किया गया था अंडर द इंडो इजराइल प्रोजेक्ट, अंडर इंडो इजराइल प्रोजेक्ट। ओके, और जो वेजिटेबल प्रोडक्शन सिस्टम और टेक्निक यहाँ पे अडॉप्ट की गई है घरोंडा में, उन्हें जो है ले जाया जाएगा 12 डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट फेज में। इन्हें इम्प्लीमेंट किया जाएगा 12 डिस्ट्रिक्ट में इन फर्स्ट फेज। और ये 12 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी है जहाँ पे इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा? ये है सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, जींद, झज्जर, पंचकूला, रोहतक, सोनीपत, गुड़गांव, नारनौल और मेवात में। जो रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट है उन्हें कवर किया जाएगा सेकंड फेज में।
नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, हरियाणा राज्य के दक्षिण क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं? व्हाट आर द टू मेजर रिवर्स दैट फ्लो इन द सदर्न रीजन ऑफ हरियाणा स्टेट? ऑप्शंस आर साहिबी एवं इंदौरी, टांगरी एवं मारकंडा, घग्गर एवं मारकंडा, मारकंडा एवं इंदौरी। तो आप देख सकते हैं तीन ऑप्शन में मारकंडा आता है, और मारकंडा के बारे में बहुत बार आपको बताया है कि इसका ओल्ड नेम अरुणा भी है, और ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है, ये शिवालिक रेंज से ओरिजिनेट होती है। तो शिवालिक रेंज किधर आती है, ये नॉर्थ में आती है। तो यहाँ से आप एलिमिनेशन से भी कर पाएंगे, अगर आपको रिमेनिंग रिवर्स का नहीं पता है, मारकंडा का पता है, तो एलिमिनेट करके भी आप आंसर कर पाएंगे साहिबी एवं इंदौरी। वैसे ऑलरेडी मैंने बहुत बार ये सभी रिवर आपको कराई है, अगर आप प्रीवियस और रेगुलर देखते हैं ये सीरीज तो आप सभी को पता होगा साहिबी और इंदौरी रिवर जो है ये मेजर रिवर है सदर्न रीजन ऑफ हरियाणा की। ये इसका सही आंसर है। साहिबी रिवर का ओरिजिन दोबारा हम रिपीट कर लेते हैं, साहिबी रिवर जो है ये ओरिजिनेट होती है राजस्थान के सीकर डिस्ट्रिक्ट जो अरावली रेंज में आता है, अरावली रेंज से राजस्थान के सीकर डिस्ट्रिक्ट से होती है। इसका लेंथ जो है साहिबी रिवर की लेंथ है 317 किलोमीटर, और ये जो है यमुना नदी से मिल जाती है दिल्ली में, मीन्स यमुना रिवर की ये ट्रिब्यूटरी है, दिल्ली में ये यमुना रिवर में मिल जाती है, और ये हरियाणा में एंटर करती है थ्रू रेवाड़ी, रेवाड़ी से ये एंटर होती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इंदौरी रिवर की। इंदौरी रिवर ये भी ओरिजिनेट होती है अरावली रेंज से, ये मिलती है साहिबी रिवर से, साहिबी मीन साहिबी रिवर की ये ट्रिब्यूटरी है, और इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है साहिबी रिवर की इंदौरी रिवर। ओके, इसे दिल्ली में नजफगढ़ नाला भी बोला जाता है, नजफगढ़ नाला। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियां स्थित हैं? इन विच पार्ट ऑफ हरियाणा आर द शिवालिक रेंजेस लोकेटेड? ऑप्शंस है नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट। तो आपको पता ही है शिवालिक रेंज नॉर्थ में आती है, नॉर्थ तो आपको पता ही है, तो ये आती है नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्वी भाग में आती है। बी इसका सही आंसर हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। अब हम डिटेल में बात कर लेते हैं, जो हरियाणा है वो मेजरली फोर पार्ट में डिवाइडेड है। वो फोर पार्ट क्या क्या है? फोर पार्ट में सबसे पहले आता है यमुना घग्गर द्वाब, यमुना घग्गर द्वाब जो लार्जेस्ट पार्ट फॉर्म करता है स्टेट का, इसे दिल्ली द्वाब भी बोला जाता है, दिल्ली द्वाब भी इसे बोला जाता है। ये फर्दर थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है, वो है सतलुज घग्गर, सतलुज घग्गर द्वाब, घग्गर हाखड़ा द्वाब, घग्गर हाखड़ा द्वाब एंड देन हाखड़ा यमुना द्वाब। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है जिसे स्टेट में को डिवाइड किया गया है वो आता है शिवालिक रेंज, शिवालिक रेंज जिसके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया है कि शिवालिक रेंज कहाँ आती है, तो ये नॉर्थ ईस्ट में आती है। हरियाणा के कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट कवर करती है शिवालिक रेंज? शिवालिक रेंज में आती है यमुनानगर, अंबाला और पंचकुला। ओके, थर्ड मेजर पार्ट जो है वो है बांगड़ एरिया, बांगड़ एरिया, बांगर एरिया जो है ये साउथ वेस्ट में आता है, हरियाणा के साउथ वेस्ट पार्ट में। और फोर्थ पार्ट है अरावली रेंज, अरावली रेंज ये मेजर पार्ट है जिसमें हरियाणा को डिवाइड किया जाता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आप मैप में भी देख सकते हैं, यहाँ पे आती हैं शिवालिक हिल्स जो है नॉर्थ ईस्ट में, नीचे इधर अरावली हिल्स आती है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पूछा गया है, इन 1886 AD ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अ ब्रांच ऑफ कांग्रेस वाज फॉर्मड इन अंबाला? ऑप्शंस आर राय बहादुर मुरलीधर, चूड़ामणि, तुर्रेबाज खान, नेकी राम शर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राय बहादुर मुरलीधर के एफर्ट से ये हुआ था, ए इज द राइट आंसर। इनका जन्म जो है 1848 में हुआ था, 1848 में इनका जन्म हुआ था पलवल में। अब हम देख लेते हैं आज के समरी कीवर्ड। सबसे पहले हम बात करेंगे करंट अफेयर्स में हमने क्या क्या डिस्कस किया है। करंट अफेयर में हमने डिस्कस किया है प्रोफेसर डी आर चौधरी, इनकी डेथ हो गई है,
इनकी फेमस बुक्स हैं हरियाणा एट क्रॉस रोड एंड खाप पंचायत एंड मॉडर्न एज। प्रेपरेशन अमाउंट दिया जाएगा टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाइड प्लेयर्स को, तो वो प्रेपरेशन अमाउंट दिया जाएगा 5 लाख रुपीज़ का। पैराग्लाइडिंग कंपटीशन होगा मोरनी में जो पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में आती है। नक्षत्र वाटिका, सुगंध वाटिका और राशि वन ये जो है बनाए जाएंगे पंचकुला में। पूरण सिंह डाबरा जो है इनकी डेथ हो गई है, ये कौन से पार्टी से बिलोंग करते थे, ये बिलोंग करते थे जननायक जनता पार्टी से। अब हम बात करेंगे हमने स्टैटिक जीके में क्या क्या डिस्कस किया है। स्टैटिक जीके में हमने लेक्स के बारे में डिस्कस किया था, बेसोलन लेक आती है पंचकुला में, घाटा झील आती है गुरुग्राम में, चिली लेक आती है फतेहाबाद में, कोटला लेक आती है नूह मेवात में, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल ये है घरोंडा करनाल में, रिवर जो सदरन रीजन हरियाणा में आती है ये है साहिबी रिवर और इंदौरी रिवर, शिवालिक रेंज जो है वो पार्ट है हरियाणा का, शिवालिक रेंज जो है हरियाणा के नॉर्थ ईस्ट में आता है। 1886 ब्रांच कांग्रेस की जो है अंबाला में बनी थी, किसकी हेल्प से ये बनी थी, ये बनी थी राय बहादुर मुरलीधर की हेल्प से। तो आज के लिए इतना ही, आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।